गाना बजाओ। सो गाइस, अभी आपने जो प्रीवियस स्टेटस देखा, आपको यह प्रीवियस स्टेटस कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा। सो गाइस, इस वीडियो को हम लोग एलाइट मोशन एप्लीकेशन की मदद से बनाने वाले हैं। इसका प्रीसेट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड XML और फोटोज का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट और शेक इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग को फोटोज़ को 9x60 के रेशियो में क्रॉप कर देना है, तो आप पहले से क्रॉप कर लेना फोटोज़ को। मैंने ऑलरेडी क्रॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि फोटोज़ को कैसे क्रॉप करते हैं, तो आप मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में देख सकते हो कि फोटोज़ को कैसे क्रॉप करते हैं। एंड उसके बाद आपको अपना सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। एंड स्टार्टिंग में आपको कुछ इस टाइप से लेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस टाइप से लेयर देखने को मिलेगा। सिंपली इस टाइप से आपको दोनों लेयर्स को होल्ड प्रेस करना है एंड यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। नेक्स्ट बिट पे आगे सिंपली हम लोग पेस्ट कर देंगे और वन बाय वन करके इसे हम लोग पेस्ट करते चलेंगे। सो गाइस, इसे हम लोग तब तक पेस्ट करेंगे जब तक हमारा डबल बिट मार्क देखने को नहीं मिल जाता। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा डबल बिट मार्क देखने को शो हो गया है एंड यहाँ तक हमने इसे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे इस टाइप से लेयर देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ तक हम लोग इसको कर लेंगे। एंड उसके बाद अब हमने जो फोटोज़ को क्रॉप किया है 9x60 के रेशियो में, उसे हम लोग सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलिए स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हो इमेज करके नीचे लेयर देखने को मिल जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक करना है, कलर एंड फिल के ऑप्शन में चले जाना है एंड स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइल में आपका फोटो होगा एंड यहाँ पे उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना। फर्स्ट वाले फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड इमेज रहेगा एंड इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऊपर वाला जो लेयर उस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल के ऑप्शन में चले जाना है एंड स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक एक करके इमेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपने 9x60 जैसे में क्रॉप किया हुआ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फोटो सिलेक्ट किया एंड उसके बाद इसी टाइप से मैंने यहाँ पे जो भी लेयर ऐड किया था उन सभी पे क्लिक करूँगा। कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाने के बाद स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली फोटोज़ को ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस, इसी टाइप से आगे आपको यहाँ पे जितने भी लेयर्स देखने को मिल रहा है उन सभी लेयर्स पे आप फोटोज़ को ऐड कर देना, ठीक है। बस लेयर पे फोटो को ऐड करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इन सभी लेयर्स पे आप 9x60 ग्रेसियो में, यहाँ तक कि ये भी लेयर आप देख सकते हो जो इस पर भी आप 9x60 ग्रेसियो में फोटोज़ को ऐड कर सकते हो अगर चेंज करना चाहो तो। मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा एंड इसी टाइप से चलिए हम लोग लास्ट तक पहले फोटोज़ को कर देते हैं ऐड और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो दोस्तों, सभी लेयर्स पे हमने फोटोज़ को ऐड कर लिया है एंड उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना जो है देख सकते हो 7.17 सेकंड वाले बीट पे। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाएंगे एंड अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल में हमारा फोटोज़ होगा। उसके बाद हम लोग को सिंपली फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, जो भी हमने फोटो को यूज़ किया है यहाँ पे ऐड करेंगे। सिंपली फोटो पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देंगे एंड नेक्स्ट बिट पे आगे इसका एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, ठीक है। एंड यही प्रोसेस करते हुए आपको वन बाय वन करके फोटोज़ को ऐड करना है एंड इसी टाइप से चलिए हम लोग देख लेते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी हमारा लेयर होगा वहाँ पे नहीं ऐड करना है, मतलब जहाँ पे ऐसे ब्लैंक है आपको उन सभी जगह पे फोटोज़ को ऐड कर लेना है। आपको यहाँ पे एक ब्लैंक देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे करीबन 24 सेकंड के बाद आपको जो है इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोनों जगह फोटोज़ को ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सभी फोटोज़ को ऐड कर लिया है एंड इसके बाद आपको बैक हो जाना है, इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना और फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में आ जाना और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने सॉन्ग बिटमार को जो ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे आ जाना। आपको जो आ जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 7.17 सेकंड पे आ जाना और सिंपली जो फोटो देखने को मिल रहा है इस फोटो पे क्लिक करना और इफेक्ट में आ जाना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर नेक्स्ट फोटो पे आके हम लोग फिर से उसी टाइप से पेस्ट कर देंगे और इसी टाइप से हम लोग वन बाय वन करके फोटो को क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट में आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड इसे हम लोग वन बाय वन करके अप्लाई करते चलेंगे नेक्स्ट डबल बिट मार्क तक, यानी अगले डबल बिट मार्क तक हम इसे ऐड करेंगे। तो चलिए इसी टाइप से हम ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस, फर्स्ट इफेक्ट को मैंने अप्लाई कर दिया है एंड यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे इफेक्ट जो ओपन करने के बाद सेकंड वाला जो इफेक्ट है सिंपली इस फोटो पे क्लिक कर लेंगे एंड इफेक्ट के अंदर आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके इसे भी हम लोग कॉपी इफेक्ट कर लेंगे।
कॉपी फेक करने के बाद अपने सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद मैं जो आपको यहाँ पे भी टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे आ जाना। आपको आ जाना है, आप यहाँ पे हमें 17:13 पे आप देख सकते हो। सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना, एंड इफेक्ट में आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। एंड इसे भी हम लोग वन बाय वन करके फोटोज पे अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है, और इसे हम लोग नेक्स्ट डबल बिट मार्क तक पेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी अगले डबल बिट मार्क तक इसे भी हम लोग पेस्ट कर देंगे। एंड देख सकते हो हमारा नेक्स्ट डबल बिट मार्क यहाँ पे शो हो रहा है, और देख सकते हो यहाँ तक मैंने इसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद हमको यहाँ से हो जाना है बैक, और इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना, और जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है सिंपली इसे क्लिक करना, एंड इसे भी हम लोग कॉपी इफेक्ट कर देंगे। इसका जो टाइमिंग है वो 24 सेकंड के बाद है, ठीक है। तो हम लोग 24 सेकंड पे आ जाते हैं पहले। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो 24 सेकंड है यहाँ पे, यहाँ से लेकर लास्ट तक जितने भी फोटोज ऐड हो गए उन सभी फोटोज पे आपको ये लास्ट वाला थर्ड नंबर का इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। देन गाइस जब सारे फोटोज पे आप इफेक्ट अप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।